रूस यूक्रेन युद्ध पर पूरी दुनिया की नजर है। लगभग 5 महीने से चल रहे इस युद्ध में एक तरफ यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर रूस कई प्रतिबंधों को झेल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत ने शुरू से ही अपना स्टैंड अलग रखा है। भारत ने हमेशा से कहा है कि बातचीत के माध्यम से युद्ध का हल निकालना चाहिए। इस बीच इस युद्ध पर भारत ने बड़ा बयान दिया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बयान दिया है। भारतीय स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने यूएनएससी में कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर काफी चिंतित है। संघर्ष के परिणाम स्वरूप अपने लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए जीवन और अनगिनत दुखों का नुकसान हुआ है। हमारा मानना है कि निर्दोष लोगों की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है। हम इस बात को दोहराना जारी रखते हैं कि वैश्विक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और क्षेत्रीय अखंडता और राज्यों की संप्रभुता के सम्मान पर आधारित है। हम यूक्रेन के लोगों की पीड़ा को कम करने के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और विशेष रूप से यूक्रेन और रूसी संघ के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करते हैं। बता दें कि भारत शुरू से ही बातचीत के माध्यम से युद्ध खत्म करने की सलाह देता रहा है। इधर रूस यूक्रेन पर लगातार हमला कर रहा है। इस युद्ध में अब तक 4,000 से ज्यादा आम लोग मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं, जहां लोग अब मलबों में अपने सामान को ढूंढते नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि ये युद्ध आखिर कहां जाकर रुकता है।